94.3 MyFM, जीना हो तो जियो दिल से। छत्तीसगढ़ का यह है अपना रेडियो स्टेशन 94.3 MyFM, संडे इवनिंग आप सुन रहे हैं आइकॉन्स। मैं हूं आर्यन और आज मेरे साथ हैं सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर। मैं सुबोध सिंघानिया, डायरेक्टर सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले की बातचीत का दौर शुरू किया जाए, हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? MyFM परिवार में आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में जिसका नाम है आइकॉन्स। कुछ बातें जरूर आपसे करूंगा मैं, लेकिन पहले गाने सुनेंगे क्योंकि 94.3 MyFM पर गाने वही जो आपका दिल चाहता है। मैं हूं आर्यन, आप सुन रहे हैं आइकॉन्स जियो दिल से। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन 94.3 MyFM, जो है छत्तीसगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन। वैसे शो है आइकॉन्स, मैं हूं आर्यन और आज मेरे साथ हैं सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुबोध जी। सुबोध जी आज जिस मुकाम पर है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमें से हर कोई जानता है हमारी जिंदगी में, लाइफ में शिक्षकों का बड़ा महत्व रहता है। तो अगर मैं आपके बचपन के दिनों को याद करना चाहूं आपके साथ मिलकर, तो क्या कुछ यादें हैं जो आप टीचर्स के बारे में हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक छोटी सी जगह से हमारी शुरुआत हुई है, राजनांदगांव जिले के गंडई, यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। गांव में जब हम रहते थे तो अलग से एक एहसास होता था दिलों को छूने वाली। जब हमें आज भी ये चीज याद है कि जो हमें आज पढ़ाए हैं, जो मिलते हैं, उनको एक गर्व महसूस होता है कि जो हम जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है उस बच्चे का आज छत्तीसगढ़ में एक नाम है, और हमें भी उस चीज का गर्व महसूस है इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए एक न्यू एक रास्ता हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि टीचर्स जो हैं वाकई में हमारी नींव मजबूत करते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं ताकि हम चल सकें, और चलना फिर हमारे ऊपर रहता है। वेल सर कुछ बातें जरूर करूंगा आपसे और भी, लेकिन पहले कुछ गाने क्योंकि 94.3 MyFM पर गाने वही जो आपका दिल चाहता है जियो दिल से। छत्तीसगढ़ का यह अपना रेडियो स्टेशन 94.3 MyFM, आप सुन रहे हैं आइकॉन्स, में हूं आर्यन और आज मेरे साथ हैं सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुबोध जी। सुबोध जी अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं सिंघानिया बिल्डकॉन की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? आर्यन जी मेरी सोच ये है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का मकान हो, और सिंघानिया बिल्डकॉन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, और छत्तीसगढ़ वासियों को और MyFM के स्टेशन से यह बताना चाहूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि एक सिंघानिया बिल्डकॉन जब आपके यहाँ सिंघानिया बिल्डकॉन पे जब कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे या आप मकान लेंगे या रहने के लिए मकान पसंद करेंगे, तो आपकी जो भरोसा है, हाँ जी, उस भरोसे पे कभी मेरी कंपनी 100% खड़ा उतरेंगे जी। ये मैं आपको इस स्टेशन से भरोसा दिलाता हूँ। राइट, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इस भरोसे के लिए जो सबसे जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए जब वो अपना घर खरीदता है, आशियाना खरीदता है। कुछ और भी सवाल है मेरे जहन में जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले कुछ गाने क्योंकि 94.3 MyFM पर गाने वही जो आपका दिल चाहता है जी अदल से। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन 94.3 MyFM, जो है छत्तीसगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन। वैसे ये शो है आइकॉन्स, मैं हूँ आर्यन और हर बार की तरह इस बार भी एक खास मेहमान मेरे साथ हैं, ये हैं सुबोध जी। सुबोध जी ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि आप इस फील्ड से हैं, कि घर खरीदते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं? जब आप किसी भी बिल्डर्स के यहाँ जो भी स्पेस आप खरीदते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप उसका, देखिए वो नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अप्रूवल है कि नहीं है, उसका विधिवत डायवर्सन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी कॉलोनी विकास हुई है कि नहीं हुई है, उस नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन है कि नहीं है, साथ में उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से उसका प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सोच समझ करके बारीकी से जो पेपर जरूरी है उस पेपर को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट लें। राइट, एग्जैक्टली, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ये बात बिल्कुल आपने सही कही क्योंकि हर आदमी जो है बड़ी मेहनत से अपनी कमाई लगाता है, और कई बार तो जिंदगी भर की कमाई या पूंजी जिसको हम कहते हैं वो होती है। थैंक यू वेरी मच इन बातों के लिए, लेकिन कुछ और भी सवाल है जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन कुछ गानों के बाद क्योंकि 94.3 MyFM पर गाने वही जो आपका दिल चाहता है जियो दिल से। छत्तीसगढ़ का यह है अपना रेडियो स्टेशन 94.3 MyFM, आप सुन रहे हैं आइकॉन्स, मैं हूं आर्यन और आज मेरे साथ हैं सुबोध जी, जो हैं सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर। थोड़ी देर पहले सर मैंने आपसे सवाल पूछा था और ये बात भी जाननी चाहिए थी कि आखिर घर खरीदते वक्त हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन बतौर बिल्डर आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप फेस करते हैं आए दिन? हमें एक बहुत बड़ी चुनौती
ये भी रहती है कि जिन कस्टमरों को हमने मकान दिया है वो अपने जीवन भर की पूंजी जो हमको देता है, तो उन कस्टमरों के दिल को छूना, उस विश्वास को देखना एक अपने आप में चुनौती। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात अगर हमारे जहन में हो कि यार जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अगर वो संतुष्ट हो तो सबसे बड़ी संतुष्टि यही हो जाती है जो सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जवानों के लिए आपकी क्या सोच है और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे मैं जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन पहले न सिर्फ मैं लेकिन हमारे सुनने वालों को भी बताना चाहूंगा, लेकिन पहले गाने, क्योंकि 94.3 MyFM पर गाने वही जो आपका दिल चाहता है। जी अदल से संडे इवनिंग आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन 94.3 MyFM। ये शो है आइकॉन्स, जिसमें हर बार कोई ना कोई खास मेहमान मेरे साथ होते हैं। वैसे मैं हूं आर्यन, आज मेरे साथ हैं सुबोध जी। सुबोध जी, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जितना अनुभव आपके पास है आप जवानों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? शॉर्टकट रास्ता किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं है। आपको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, लंबा पीरियड विश्वास। विश्वास जितना आदमी में बहुत टाइम लगता है जी, विश्वास, ईमानदारी और लक्ष्य, ये तीन चीज जब आप जीत लेंगे तो कहीं किसी की भी जरूरत नहीं। अपने आप में जो आप मुकाम चाहेंगे वो मुकाम आप पा सकते हैं। परसेंट युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगा, कोई भी चीज आपको बिल्कुल सरल लगेगी और आप उस चीज को आराम से पा सकेंगे। बिल्कुल, तभी हम कहते हैं कि जियो दिल से। आप क्या कहना चाहेंगे? जियो दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी इतनी बातें करने के लिए। वैसे भी वक्त जाने का हो गया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 94.3 MyFM, जीना हो तो जियो दिल से।